हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हमजा एंड यू वॉच द यूनिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैटलशिप आइलैंड के बारे में। इस आइलैंड का रियल नाम हाशिमा आइलैंड है। इसका नाम बैटलशिप आइलैंड इसलिए पड़ा क्योंकि देखने में एक शिप की तरह लगता है, इसलिए इस आइलैंड का नाम बैटलशिप आइलैंड रखा गया। ये आइलैंड जापान के नागासाकी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस आइलैंड की तमाम बिल्डिंगें कंक्रीट की बनी हैं, वो इसलिए क्योंकि इनसे समुद्री तूफानों से बचा जा सके। इस आइलैंड को सबसे पहले मित्सुबिशी कंपनी ने 1890 में ख़रीदा और फिर यहाँ की ज़मीनों से कोयला निकालना स्टार्ट किया। फिर इसके बाद यहाँ पे लोग रहने लगे और 1959 में इस आइलैंड की आबादी 5,259 तक जा पहुँची। जब यहाँ पे लोग ज़्यादा रहने लगे तो इन लोगों की रहाइश के लिए स्विमिंग पूल, सिनेमाज, अपार्टमेंट ब्लॉक्स, टाउन हॉल, कम्युनिटी सेंटर, शॉप और तो और किंडन गार्डन, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब उन लोगों की रहाइश के लिए बनाई गई। 1947 में कोयला ख़त्म हो जाने की वजह से ये कहानी बंद हो गई। कहा जाता है कि 1930 से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर तक जापान में पकड़े गए कोरियन शहरियों और चाइनीज जंगी कैदियों से यहाँ के कानून में सख्त काम लिया जाता और इन पर बहुत जुल्म सितम भी किया जाता। अंदाजे के मुताबिक 1,300 कैदी उस कान में इनकी ज़ोर ज़बरदस्ती और सही खाना पानी नहीं देने की वजह से मारे गए और इनसे ज़्यादा काम लेने की वजह से ये लोग मर गए। इस आइलैंड में जब कोयला ख़त्म हो गया तो लोग ये आइलैंड छोड़कर जाने लगे और सबसे नज़दीकी शहर नागासाकी में जा बसे और वहीं रहने लगे। मित्सुबिशी कंपनी ने इन कानों को बंद करा दिया और वहां से चले गए। कहा जाता है कि उन कानों में बहुत सारे मजदूर थे जो वहीं पे मर गए। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इस आइलैंड में बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। कहा जाता है कि ये सब आवाज़ें उन मजदूरों की हैं जो कान में मर गए और उन पर किए गए जुल्म की वजह से उनकी वो दर्द भरी आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं। आज भी इस आइलैंड में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे कुछ सामान इस हालत में रखी हुई हैं, जैसे अभी अभी कोई इन्हें ला के रखा हो, और ये आइलैंड रात के अंधेरे में और खौफनाक दिखती हैं ये आइलैंड। तो दोस्तों, ये रहा बैटलशिप की वो हकीकतें जो अभी अभी मैंने आपको बताई। ये आइलैंड देखने में जितना खूबसूरत लगता है उतना ही डरावना और अपने अंदर बहुत सारी राज छुपा बैठा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।